Hi everyone, my name is Advocate Harsh Sani. I hope you guys are doing absolutely well. As you guys know, DJ is around the corner and lagbag 15 days abhi bache hain. Aaj hai 30 of November. So I thought let's make a short video jiske andar main aap logo do's and don'ts bataun jo ki aap log make sure karenge apni preparation aur apni strategy mein inculcate kare taki aap logo se koi bhi point miss na ho. आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट कर दो. कमेंट अभी मत करना बेशक, पूरी वीडियो देख लो, अच्छी लगे तो ही कमेंट करना. आगे बढ़ते हैं. आप लोगों को पता है DJS जो है पूरी कंट्री का सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस एंड सबसे टफ एग्जामिनेशन माना जाता है. लेकिन अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है, रीडिंग स्किल अच्छा है, तो डेफिनेटली यू गाइस कैन क्रैक इट. टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं. आई होप आपके पास पूरा लिस्ट, सिलेबस सब कुछ होगा. और ये वीडियो ऑब्वियसली उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं. ये उनके लिए है जिन्होंने अच्छे खासे टाइम से, लाइक 6 महीने 1 साल से अपनी प्रिपरेशन रखी है और वो कुछ पॉइंट्स को मिस ना करें. तो जस्ट ये उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो है ताकि वो एक बार अपनी चेकलिस्ट में मेक श्योर कर ले कि हाँ यार मैंने ये कर लिया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी प्रिलिमिनरी को क्रैक करने के लिए, दैट इज़ योर PYQ. PYQ जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो. DJS के एटलीस्ट 5 ईयर्स कर लो, हरियाणा ADA कर लो. ये एक दो पेपर्स तो ऐसे हैं कि आई एम अज्यूमिंग करे होंगे, बाकी इनके रिविजन देनी बहुत इंपॉर्टेंट है. करे तो सब नहीं होते हैं, बट कितना याद रहता है, कितना सिलेबस पता होता है, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ वहाँ से आप मेक श्योर करके एक लिस्ट बना लो. DJS के अंदर में एक्चुअल में जो गेम प्लेयर होगा ना, वो आपका GK होगा, लीगल GK स्पेसिफिकली, एंड इंग्लिश होगा. लीगल GK के लिए अगर आप लोगों ने करा है काफ़ी टाइम से तो वेल एंड गुड, नहीं तो यूट्यूब पर जाकर के लैंडमार्क जजमेंट्स की कोई भी 1 साल की वीडियो उठाओ, 6 महीने की तो उठाई उठाओ, उसे देख लो. साथ में आप लोग क्या करो, न्यूज़पेपर रीड आउट मारो, क्योंकि अभी 1 हफ्ता 15 दिन जितना भी टाइम रह गया, हो सकता है कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन वहाँ से बन जाए. और स्पीडी एक आती है जिसके अंदर में आप 6 महीने 1 साल की वो आप ले सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर यू आर कोप अप विद द GK. आगे बढ़ते हैं इंग्लिश पे. इंग्लिश के अंदर में RS अग्रवाल अच्छी है, PYQ करो, और जितनी ज़्यादा इंग्लिश आप रिविजन दोगे उतना अच्छा रहेगा. रादर देन आप न्यू वर्ड्स न्यू जगह जाके इस समय एक्सप्लोर करो, वो याद नहीं रहेगा. जितना बड़ा है उसे अच्छे से इनकलकेट करो, याद करो, रिविजन दो. रिविजन इज़ द की. आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे. कॉन्स्टिट्यूशन प्रिलिमिनरी में इंपॉर्टेंट है, लीगल GK का भी पार्ट बनता है. और मेंस के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे डायरेक्टली तो नहीं आता, बट हाँ लीगल एसे के थ्रू में वो आप लोगों से एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूछ लेंगे कहीं ना कहीं से. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेक श्योर Part 1, Part 2, Preamble, Part 3, Part 4, Part 4A, गवर्नर के आर्टिकल्स, प्रेसिडेंशियल आर्टिकल्स, एमरजेंसी आर्टिकल्स एंड इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स, ये सब कुछ आप देख के लें, ठीक है. सेकेंडली आगे बढ़े IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, मेजर लॉस. देखो आई नो ये बहुत भागा दौड़ी में वीडियो बन रही है, उसका बस सोल जो पर्पस है इस वीडियो का वो यही है कि मेक श्योर करें आप अपनी चेकलिस्ट में कि ये मैंने कर लिया. प्रॉपर स्ट्रैटेजी 15 दिन में नहीं बता सकता कोई भी, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता, कहीं से भी ढूंढ लो. तो ऑब्वियसली ये वीडियो उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है. तो IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, ये आपके मेजर लॉज है. इनके अंदर में आपका मेजर चंक 60-70 मार्क्स का आएगा. तो मेक श्योर इसको आप PYQ से एनालिसिस करें. अगर आप लोगों ने अच्छे से पूरा नहीं पढ़ रखा ना, कोई टेंशन नहीं है, PYQ निकालो, सारे टॉपिक्स उसके अंदर में ऐसे नोट डाउन करो और देखो यार कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है, कौन से में बनते हैं. जैसे CRPC की बात करो, मेंटेनेंस से क्वेश्चन बनता है, 498A से क्वेश्चन बनता है. IPC की बात करो, मर्डर से आएगा, कल्पेबल आएगा, रेप से आएगा, 376 से आएगा, डकॉयटी आएगा, थेफ्ट आएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है जो DJS पूछता है, डेफिमेशन आएगा, ठीक है. और CPC की बात करूँ तो CPC के अंदर में मेक श्योर आपको सारे सेक्शंस याद हैं. सेक्शन ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ऑर्डर्स के यू शुड नो दी नंबर ऑफ द ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर नंबर क्या है ना. तो ये आप बेसिक अगर आपको पता होगा तो आप 30 में से अगर CPC के लगभग 30 क्वेश्चंस बनते हैं तो 20-25 कर लेंगे, विच इज़ अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है. एविडेंस के लिए इट इज़ अ शॉर्ट सब्जेक्ट, एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी टेक्निकल एज वेल. तो मेक श्योर अपने कॉन्सेप्ट वहाँ पे पक्के करके जाना, क्योंकि क्रिमिनल में और सिविल में दोनों में आई है एविडेंस, तो वो आपको वहाँ पे भी हल्का नहीं छोड़ेंगे. एंड जो दिल्ली के अंदर मेजरली इंपॉर्टेंट चंक होल्ड करता है ना, वो है आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन अगर आप लोगों ने करा है तो वेल एंड गुड है, नहीं करा है PYQ निकालो और करो, मतलब अभी करो, क्योंकि आर्बिट्रेशन इंपॉर्टेंट है, रीसेंट केस लॉस इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क केस लॉस इंपॉर्टेंट है. और ये मैं अज्यूम करता हूँ आप लोगों को पता होगा, तो जस्ट मेक श्योर यू गाइस आर रिवाइजिंग दैट, ओके. एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ कुछ माइनर सब्जेक्ट्स जैसे LLP, POXO और ये बाकी नए नए सब्जेक्ट्स जो लास्ट ईयर ऐड हुए हैं छोटे छोटे, उनको आप लोगों का उनका ग्रेस्प आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई है क्या इनके अंदर में, उनका स्ट्रक्चर क्या है, इन्फोर्समेंट डेट, असेंट डेट, ये सब कुछ एक्ट नंबर पता होना चाहिए बेसिक्स. तो ये एक मेरी चेकलिस्ट वाली वीडियो थी कि आप लोग एक बार मेक श्योर करें कि हाँ यार ये मिस आउट नहीं हो रहा है. एंड मेक श्योर अभी इस टाइम पर कुछ नया पढ़ने से बेटर है कि आप रिविजन करो,
ठीक है, रिविजन इज द की. एंड इन केस इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, यू गाइज कैन कमेंट डाउन बिलो एंड मुझे वहाँ पे बता सकते हो, तो मैं डेफिनेटली जब भी फ्री होऊंगा आई विल आंसर दैट. ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपका दिल करे तो. दैट्स इट फॉर नाउ. सी यू अगेन. ऑल दी वेरी बेस्ट और तोड़ दो.